चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो हमें कुछ टर्म्स जो है ज्योमेट्री के रिलेटेड वो हमें पता होने चाहिए, राइट। तो फर्स्ट इज पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? जो डॉट होता है, राइट। लाइन है वो किससे बनी होती है? सो मेनी पॉइंट्स से, राइट। बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं, रे बनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पॉइंट का सिंबल है, देन लाइन। तो लाइन है वो दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, राइट, एंडलेस होती है, राइट, बोथ साइड्स। देन ये रे का सिंबल है, तो रे की डिफाइन क्या होगी? रे इज ए पोजिशन पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट स्टार्ट एट वन पॉइंट कॉल स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन द डायरेक्शन। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है उसका वो क्या है? उसका इनिशियल पॉइंट या तो स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे वो एक्सटेंड होती है जो एंडलेस है, राइट। तो यहाँ पे एरो वन साइड होगा एंड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट है वो उसका एक डेफिनेट दोनों पॉइंट है, राइट, वो इनिशियल दोनों तरफ। सपोज आपको बोलते हैं कि 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, राइट, तो उसका मेजरमेंट फिक्स है 3 सेंटीमीटर, राइट, वो कोई भी एंड से एक्सटेंड नहीं होती है, राइट, जहाँ कोई भी एरो नहीं है। और देन पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन विच डो नॉट मीट आर से टू बी पैरेलल लाइन, वो लाइन जो एक दूसरे से मिलती नहीं, एक दूसरे से ऐसे पैरेलल ही जाती है, राइट, कहीं पे भी एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करती है, कोई भी पॉइंट पे मिलती नहीं है, उस लाइन को पैरेलल लाइन कहेंगे। जैसे इस तरह से जो रेलवे ट्रैक होता है, वो इस तरह से एक दूसरे से पैरेलल ही जाता है, राइट। आप अपना जो क्लासरूम में बोर्ड है, राइट, ब्लैक बोर्ड, तो उसमें दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे से क्या होती है? पैरेलल होती है, जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज का। यूज द फिगर टू नेम। यहाँ हमें जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसके आंसर के लिए हमें फिगर की हेल्प लेनी होगी। तो फर्स्ट है 5 पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ से आप 5 पॉइंट्स के नाम दो, डी ई ओ, ये बी एंड ये सी, राइट, ये 5 पॉइंट्स है। देन अ लाइन, तो आपको लाइन कौन कौन सी बनेगी? तो ओ बी, ओ सी, देन ओ ई एंड ओ डी, देन 4 रेज। रेज कहाँ से होंगे? ओ से लेके बी, ओ से लेके सी, ओ ई एंड डी बी, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ रेज में सिंबल, लाइन में सिंबल जो ऊपर आप कर रहे हैं वो ध्यान रख के करोगे। देन 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट आएंगे, राइट, डी ई, डी ओ, ई बी, ओ बी, ओ सी भी आप लिख सकते हो, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। आपको यहाँ 4 लेटर्स दिए हैं, ए बी सी डी, उसमें से कोई 2 लेटर ही आपको चूज करके आपको अलग अलग 12 तरीके से ये आपको ये लाइन आपको बतानी है।
फर्स्ट है यहाँ लाइन है, इसलिए कहाँ कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ एरो आएंगे राइट। तो फर्स्ट ए टू बी राइट, ए बी, देन ए सी राइट, ए से लेके सी तक, यहां से यहां तक, देन ए डी राइट। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ए से बी, ए सी एंड ए डी लिया, अब बी सी, बी डी एंड बी ए, उसके बाद सी से स्टार्ट करके सी डी, सी ए एंड सी बी, अब डी से डी सी, डी बी एंड डी ए, इस तरह से हमने अलग अलग पॉइंट्स दो लेके हमने 12 टाइम्स अलग अलग लाइन यहाँ इंडिकेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम, यहाँ पे भी हमें फिगर का यूज करके आंसर देने हैं राइट। आपकी फिगर देखो इस तरह से है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, तो ई पॉइंट कौन से लाइन पे है, तो ये ई यहाँ पे है, तो एक तो आप कंसिडर कर सकते हो ये ई ए लाइन पे होगा और दूसरा इस तरह से ई एफ दोनों पे होगा राइट। तो हमने लिखा है ई ए लाइन पे है, देन लाइन पासिंग थ्रू ए, ए में से कौन सी लाइन पास हो रही है, तो वो आएगा ए ई लाइन राइट। ए बी भी बोल सकते हो, ए डी भी बोल सकते हो, ये लाइन है वो तो एक्सटेंड होती ही है, इसलिए यहाँ पे हमने एक ही दिखाई है ए ई लाइन। देन लाइन ऑन विच ओ लाइज, तो ओ कौन सी लाइन पे है, ओ सी पे राइट, ये ओ पॉइंट कौन सी लाइन पे है, ओ सी पे। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो फर्स्ट है ए ई और उसके इंटरसेक्ट करती, इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे से कहीं कोई पॉइंट पे वो मिलती हो राइट, और दूसरी लाइन होगी ओ सी या सी ओ राइट, ये वाली दूसरी ए ई के साथ इंटरसेक्ट ये वाली लाइन हो रही है ई एफ राइट। तो ये दो पेयर बनेगी ए ई एंड ओ सी एंड डी, ए ई एंड ई एफ। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट गिवन, तो एक पॉइंट, नया क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट, तो वन पॉइंट में से कितनी लाइन पास होगी, तो जी ये वन पॉइंट होगा उसमें से एंडलेस राइट। इस पॉइंट में से आप कितनी सारी लाइन पास कर सकते हो राइट, इसलिए उसका आंसर आएगा काउंटलेस राइट, बहुत सारी लाइन। और टू पॉइंट्स, तो टू पॉइंट्स में से ओनली होगी, ये टू पॉइंट्स आप कहीं पे भी रखो वन लाइन ही आएगी, इस तरह से आप दो पॉइंट करो तो वहीं से एक लाइन ही होगी राइट, दूसरी लाइन नहीं हो सकती, इसलिए उसका आंसर आएगा ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पे आप ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख के ये फर्स्ट आंसर सामने ड्रॉ करोगे राइट, ये वाला पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ए बी लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर आपको पॉइंट बी दिखाना है राइट ड्रॉ करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर ये आएगी, बी क्वेश्चन है एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम, तो ये एक्स वाई लाइन, ये पी क्यू लाइन, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसे नाम दो एम पॉइंट। सी वन इज लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, तो आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो एल,
जिसमें दो पॉइंट है ई एंड एफ, पर डी पॉइंट उसमें नहीं है। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह से पॉइंट करके डी लिख सकते हो, राइट? आया समझ में? लाइन के बाहर कहीं पे भी आप डी दिखा सकते हो, पर लाइन एल पे ई एंड एफ ही होंगे ओनली। नेक्स्ट डी क्वेश्चन है। ओ पी, ये रे का सिंबल है। ओ पी रे एंड ओ क्यू रे मीट एट ओ। तो रे में क्या होगा? एक इनिशियल पॉइंट होगा। तो दोनों में कौन सा पॉइंट है इक्वल? ओ। तो वो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे एरो नहीं है, यहाँ पे है। तो ओ पी इस तरह से ड्रॉ करेंगे एंड ओ क्यू, और जो दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मीट होती है? ओ पे, राइट? तो ये चारों फिगर आप इस तरह से क्वेश्चन के सामने